नमस्कार। पिछले 2-4 दिन में जो मार्केट गिरा है, कुछ 4 दिन में अराउंड 1000 पॉइंट्स या 1200-1300 पॉइंट कुछ निफ्टी गिरा है और एकदम सब जगह पे पैनिक है। मैं आपको यहाँ पे आज इसलिए ये अपडेट दे रहा हूँ एल्गो का, क्योंकि ये मैन्युअली किसी को टॉप पकड़ना पॉसिबल नहीं था और फिर से पिछले कुछ दिनों से जो फॉल हो रहा है उसमें भी सब जगह पैनिक है। लेकिन एल्गो का परफॉर्मेंस देखिए, जब अपना एल्गो का परफॉर्मेंस जब मार्केट ऊपर था मैंने तब भी वीडियो लाया था और इसलिए आज भी ला रहा हूँ जब मार्केट में इतनी जम के पिटाई हुई है। 4 दिन में 1200-1300 पॉइंट निफ्टी। ध्यान दीजिए, ये अपना एल्गो स्टार्ट हुआ कुछ यहाँ से। पहले दिन पे ये इसकी डेट थी 30 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ। अभी 30 अगस्त को जब ये पहली बाइंग हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका एवरेज प्राइस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 78.46। ये वाला है एवरेज प्राइस 78.46। और फिर पूरी बाइंग ये नीचे ये रेड लाइन वो बाय 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 करते करते आप देखो यहाँ पे जब एंड में ये एवरेज प्राइस कैसा नीचे खींचा जा रहा है, और एंड में जब आपकी बाइंग हुई तो आपकी एवरेज प्राइस थी 77.75, यहाँ पे थी 78.46 और यहाँ पे थी 77 पॉइंट समथिंग, यानी कि 78 पॉइंट से लेके 77 पॉइंट तक अपना एल्गो बाय तभी करता है जब वो एवरेज के नीचे आता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाइंग, ये नीला ये जो ग्रीन छोटा छोटा जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बाय वाले, ये तभी दिख रहे हैं जब ये ग्रीन लाइन एवरेज लाइन के नीचे है, ये इसके ऊपर बाइंग ही नहीं हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपको बताना है कि अपना एल्गो, और ये एल्गो लोगों का लगा हुआ है, मैं थेरोटिकल या कोई बैक टेस्ट बता रहा हूँ वगैरह ऐसा नहीं, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ परफॉर्मेंस। तो 1 महीने में 30 अगस्त से आप पकड़ लीजिए, लास्ट वाली बाइंग यहाँ पे कहीं तो भी हुई थी, तो 30 अगस्त से 20 सितंबर तक बाइंग हुई और टोटल आप यहाँ पे देखिए 32,275 रुपीज़ की बाइंग हुई, 32,275.85 रुपये आपके 20 दिन में तब बाय होते गए जब मार्केट नीचे आया बाय हुआ। इसलिए आपका एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, लेकिन वो धीरे 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 जब नीचे आया तभी इन्वेस्ट हुआ। आपको क्या हुआ, आपको लो कॉस्ट का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट ये सडनली ऊपर भागा और यहाँ पे फिर अपना सेलिंग के प्राइस के भी ऊपर चले गया। जैसे सेलिंग प्राइस के ऊपर चले गया तो अपने आप सेलिंग भी होने लगा। अब आपको दिखेगा यहाँ पे ये रेड रेड ट्रायंगल्स दिखेंगे, ये सेल 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 ऊपर के भाव पे सेल 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 होते गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी जो टोटल बाइंग थी, जो आपके 409, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स नेट ट्रेड्स जो दिखेगा 409 था, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ 408, 707, 605। आपको समझ रहा है, ऊपर के लेवल पे अपने एल्गो ने धीरे 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 सेल करते 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 353 तक आ गए और फिर अपना यहाँ, और फिर उसके बाद पिछले 4 दिन से जो करेक्शन आ गया मार्केट में। अब ध्यान दीजिए एल्गो क्या करता है और हम पैनिक में क्या करेंगे। पैनिक में हमने सब कुछ बेच दिया रहता, अरे मार्केट गिर रहा है बेचो बेचो बेचो, यानी ये जो यहाँ पे है, यानी कि जो इतनी मेहनत से जो नीचे के लेवल पे बाइंग हुई थी वो यहाँ पे कहीं तो भी हम सेल कर देते। अपने आप चाहते तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, हाई प्राइस हाई लेवल पे आपको तो 3% से अधिक प्रॉफिट मिल जाता था, पर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3% आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको लगे तो एवरेज मैं आपको प्राइजेस दे देता हूँ। आप देखिए बाइंग प्राइस है 77.73 और सेलिंग प्राइस है 80.06, तो 77.73 और 80.06 का आप निकालेंगे तो वो 3% के आसपास आ जाएगा कैलकुलेटर। 80.06 माइनस क्या था यहाँ पे 77.72 डिवाइडेड बाय 77.72 × 100, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3% के, और अगर उसके ऊपर बेचा जैसे यहाँ पे तो उसके भी ऊपर है तो आपका रिटर्न 3% से थोड़ा ऊपर रहता, 3.1, 3.2, 3.3 जो भी है, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये धीरे 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 सेल हुआ, उसके बाद सडनली फॉल आया और आप देखिए ये जो फॉल आया तो जैसे ही ये आपके एवरेज सेलिंग टारगेट से नीचे आ गया एल्गो ने रोकना बंद कर दिया। यहाँ पे ये वाला पार्ट ध्यान देना है आपको, एल्गो ने सेलिंग स्टॉप कर दी,
और एल्गो ने कब, आज एक बार फिर से ऊपर गया तो फिर से सेल किया, फिर एक बार आज कभी तो भी ऊपर गया तो फिर से सेल किया। यानी कि ये जो सबसे पैनिक पिछले ये पैनिक वाला पीरियड है ना, ये वाला पीरियड पैनिक वाला है। ये रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, ये फिर से रेड 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 रेड, ये 200 पॉइंट निफ्टी, 500 पॉइंट निफ्टी जा रहा है, 1000 1200 पॉइंट सेंसेक्स जा रहा है। ये जो पैनिक हम लोग करेंगे मैन्युअली, वो एल्गो ने यहाँ पे नहीं किया। उसका कारण क्या हुआ, यानी उसके कारण क्या हुआ, ये देखो आपके यहाँ पे जब आखिरी यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड वाला ट्रायंगल, यहाँ पे 350 यूनिट आपके बचे, उसके बाद मार्केट नीचे आया तो उसने एक भी सेल नहीं किया, फिर यहाँ पे आपके टारगेट के ऊपर गया तो एक सेल किया, फिर नीचे फिर ऊपर गया तो एक सेल किया। इसका कारण क्या हुआ, यहाँ पे आपके 350 यूनिट बचे थे, यहाँ पे भी आपके 350 वो जब भी सेल हुआ वो कंडीशन मीट हुई तो ही सेल हुआ, उसको कोई इमोशंस नहीं है मार्केट नीचे गिर रहा। इनफैक्ट अगर ये और नीचे गिर के ये रेड लाइन के नीचे जाता ना तो आपकी बाइंग भी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि एल्गो है वो नहीं देखता कि ग्रीड फियर पैनिक वो सब नहीं, वो लगा चाहिए रेड लाइन के नीचे है क्या मुझे बाय करना है, अच्छा ब्लैक लाइन के ऊपर है क्या मुझे, एवरेज के ऊपर है क्या मुझे सेल करना है। सो ये अब इसके कारण क्या हुआ, आज देखिए मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे आपको 3% का तो रिटर्न यहाँ पे तो हो ही गया था, वो हमने अभी कैलकुलेट किया। अभी मैं आपको एक्चुअल और एक्चुअल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब आज का मार्केट क्लोज हुआ है तो आपके पास 348 यूनिट्स अभी बचे हैं मल्टीप्लाइड बाय आज का क्लोजिंग प्राइस है 78.70, यानी 23,387.6 का वैल्यूएशन अभी आपका है। उसमें हम ऐड करेंगे ये जो 5397 आपको जो मिले हैं, क्योंकि आपने अब तक बेचे जो है उसका 5397.3, यानी इतना टोटल आपने अब तक का वैल्यूएशन अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड मिला के इतने बड़े फॉल के बाद भी। हाँ हम इतने बड़े फॉल 1200 पॉइंट के निफ्टी के फॉल के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस 32275.85 डिवाइडेड बाय 32275.85 इनटू 100। आप देख सकते हो इतने बड़े फॉल के भी बाद आप आज भी 1.5% प्रॉफिट, जब भी हाई पे बेचा रहते तो 3% पे तो आपको प्रॉफिट था, या उसके और ऊपर आप लकी रहते और हाईएस्ट पॉइंट पे बेचा तो 4-5 जो भी होता वो होता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक अपना इमोशंस ग्रीड फियर अगर नहीं, ये 4 दिन तो पूरे पैनिक वाले थे, ये जिस दिन मार्केट गिरा है और उसके पहले ये जो रैली थी ये फोमो वाली रैली थी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो अपडेट भी बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि बाकी सब लोगों को फोमो हो रहा है, अपना तो एल्गो सेल कर रहा है हाई पे करके, तो फोमो होता है मार्केट ऊपर जा रहा है हमने बाय नहीं किया क्योंकि एल्गो नीचे के लेवल पे बाय कर लेता है, और ना तो हमें पैनिक होता है कि अरे मार्केट गिर रहा है हम क्या करें, क्योंकि हमारा हायर लेवल पे सेलिंग भी हो जाता है। आज फिर से 2 दिन से फिर से मार्केट गिरा, अपने एल्गो ने कुछ नहीं किया, ऊपर जा रहा है वो इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे सेल कर रहा है। कल से अगर रैली आती है तो ये फिर से ऊपर के लेवल पे सेलिंग करेगा, कल से अगर फॉल आता है और ये रेड लाइन के नीचे जाता है फिर से वो बाइंग करेगा। या तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी, यानी 32 का 33, 34, 35, लेकिन ये कब बढ़ेगा, जब ये इसके नीचे आएगा तभी, यानी ये बढ़ेगा या आपका एवरेज कॉस्ट कम होगा। या तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये आपके 348, 347, 346 जो यहाँ पे दिख रहा है धीरे धीरे कम होंगे, और ये आपका जो है टोटल सेल वैल्यू ये 32.75 के 270 जो भी है उसके ऊपर जाएगा। तो ये आपको समझना है कि ये एल्गो करता है। पिछले 1 वीक में हमने फोमो वाली रैली भी देखी और हमने पैनिक वाला फॉल भी देखा, और आपने सब ने ये दोनों अनुभव किया होगा, और उसके बाद अपना आप होंगे ना फोमो वाली रैली में पहले बाय किया, ना टॉप बॉटम पे कोई बाय कर सकता है मैन्युअली, ना टॉप पे कोई सेल कर सकता है मैन्युअली, ना आज कोई पैनिक नहीं किया, ये भी नहीं हुआ मार्जिन कॉल आते, अगर मैं तो ETF की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में ETF से, केवल ETF से, मैंने जो 3% दिखाया, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं महीने में 3% कमाने के लिए, हम तो ETF से बिना समय दिए 3% लेके आ रहे हैं, वो तो जब हाई था और जब नीचे जा रहा है, और अभी भी 3 आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये फिर से 3% देगा रिटर्न,
अपना एल्गो बना ही ऐसा है कि 3% पे वो सेल करेगा करके। तो इसलिए ये बार बार मैं आपको यानी कि रैली के टाइम पे भी बता रहा हूँ और पैनिक के टाइम पे भी बता रहा हूँ कि एल्गो अगर आप लगा लेंगे, अगर आपने नहीं लगाया तो ये शैलेश सर का नंबर है 8600043130, आप उनसे बात करिए, आपका कोई भी ब्रोकर हो, हमें केवल आपका वेबुक लिंक और जेसन कोड लगता है बाय का और सेल का, तो हम वो ये एल्गो में आपको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपने अब तक नहीं लगाया तो ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको और मैं आगे भी बता रहा हूँ, अगर मार्केट फॉल होता है किसको पता मिड ईस्ट में क्या होगा, किसको पता रशिया वॉर में क्या होगा, स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, क्रूड प्राइस कहाँ जाएगी, यूएस रिसेशंस किसे पता। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, मार्केट नीचे आ सकता है और ऊपर जाने के भी कई सारे कारण है। हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर वीक हो रहा है इसलिए रुपी मैंने फ्लोज इंडिया में आएंगे और इसलिए हमारा ग्रोथ अच्छा है, जो भी है दोनों साइड्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या करता है, इसलिए एल्गो लगा दो अपने। और ये एक्चुअल मैं बता रहा हूँ लोगों के, मेरे इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं एल्गो, इसलिए मैं बैक टेस्टिंग डेटा में बिलीव ही नहीं करता। कुछ तो भी अच्छे अच्छे रिटर्न वो उसे भी फिर ऐसा डंडा लगाता है, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए झूठ झूठ के रिटर्न बताते हैं। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल है, सही है, ऐसा आप फोन करके पूछ लीजिए शैलेश सर से या कोई इन्वेस्टर्स आपके होंगे। तो इसलिए अगर एल्गोज में नहीं आए अब तक तो लगा दो, एकदम शांति से बैठो, सैटरडे संडे एंजॉय करो, ये पूरा वीक आपको टेंशन, 9 बजे कर रहे हैं फिर 3:30 बजे देख रहे हैं, दिन भर में देख रहे हैं, वो सब कोई झंझट नहीं, एल्गो काम करते रहता है। सुबह 8 बजे 9 बजे लॉग इन करो, शाम को 4-5 जब आराम से दिखता है तब देखो। तो और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये एक पार्ट है। दूसरा एक और एक दूसरा जो अपना ये तो बाय फाइव सेल वन 15 मिनट में है, अभी तो अपने ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो बाय फाइव सेल वन 10 मिनट पे ला रहे हैं, ना कि जिनको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, और आज देखो उनका तो आज तो जम के बाइंग हुई और आज एक सेल भी हो गया। तो आपको अगर बड़ा पैसा लगाना है तो उसके भी एल्गोज हैं। और तीसरा अपना ये सनातन वाला जो प्रोडक्ट है, ये तो सेल का है ही नहीं, आप बस बाय करते जाओ, ये देखो आप बाय कर हर फॉल पे, इसमें सेल का लगाया ही नहीं है, ये बस निफ्टी बीज है, बाय 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 बाय, या कोई भी ETF, सेंसेक्स ETF, कोई लोग दूसरा बोल रहे हैं कुछ हम करके दे रहे हैं, पर ये इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स हैं और उनका रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है। तो इसलिए अगर आपने नहीं किया है अब तक तो इसको सोचो, क्योंकि हम मैन्युअली तो कर ही नहीं सकते वो बात है, लेकिन अगले 25 साल जो हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, भारत की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब हमें अगर कैप्चर, और डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड, कहाँ मैन्युअल, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, बोफोर्स और वो सब, ड्रोन के युग में आप तीर कमान और तलवार से लड़ाई कर रहे, कैसे जीतोगे। वो सेबी का पढ़ा नहीं क्या रिपोर्ट जो आया कि सब प्रॉप ट्रेडर्स और सब FPIs 96% 97% सबको एल्गो से प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस कौन कर रहा है उसके आगे, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो क्यों कर रहे हो जहां पे नुकसान होता है, और जहां ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं तो सामने आके दिखा रहा हूँ, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए। और भी आपको कुछ प्रश्न होंगे आप शैलेश सर से फोन करके बात कर लीजिए और एल्गोज में आ जाइए, ज्वाइन करिए, अपने ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको परफॉर्मेंस भी दिखा रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट इट इज। और मैं बहुत डेलिबरेटली ऐसे वाले दिन आया, क्योंकि जब ये ऐसा फॉल आता है तब कोई सामने नहीं आता, मैं तो तभी सामने आया क्योंकि तभी तो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा बनाता है, मैंने तो बेयर मार्केट में लॉस नहीं करने की, हजार बेयर मार्केट नहीं बोल सकते, पर 1000-1200 वाले पॉइंट वाले टाइम पे भी मैंने परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लाइव। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए ज्वाइन करिए एल्गोज में। और आप ट्रेडिंग व्यू पर हमसे जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद, यूट्यूब पर जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद, वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और एल्गोज ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी दिवाली आ रही है, दशहरा, अभी नवरात्रि चालू है, अच्छा शुभ समय चल रहा है, अकाउंट खोल लीजिए अच्छे समय पे और फिर लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, बस यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।